दोस्तों आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में एक बार जोरदार स्वागत है आज आप सीखेंगे 60 सेंटेंसेस जो आपकी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन के लेवल को ऊपर उठा देंगे नो मोर फर्दर एक्साइटमेंट लेट्स गेट गोइंग एंड हियर कम्स द फर्स्ट सेंटेंस ऑन योर स्क्रीन कुछ समय के लिए हमारी राह देखो वेट फॉर अस फॉर सम टाइम वेट फॉर अस फॉर टाइम बेहतर प्रदर्शन की कोशिश करो ट्राई टू परफॉर्म बेटर ट्राई टू परफॉर्म बेटर तुम्हारे मन में क्या है वट इज़ इन योर माइंड वट इज़ इन योर माइंड तुम्हारा जवाब बिल्कुल गलत है योर आंसर इज एप्सोल्यूटली रॉन्ग योर आंसर इज एप्सोल्यूटली रॉन्ग ये मेरे लिए और आसान है इट इज ईजियर फॉर मी इट इज ईजियर फॉर मी ईजियर ईजी की कंपरेटिव डिग्री है यानी और भी आसान मेरे लिए दूसरा बना दो मेक अनदर वन फॉर मी मेक अनादर वन फॉर मी क्या आप जूस लेना चाहोगे वुड यू लाइक टू हैव जूस वुड यू लाइक टू हैव जूस मुझे घर जाने की आज्ञा दो अलाउ मी टू विजिट होम अलाउ मी टू विजिट होम बैठो और चुपचाप देखो सिट एंड वॉच इन साइलेंस सिट एंड वॉच इन साइलेंस ये मेरे लिए बहुत अधिक है इट्स टू मच फॉर मी इट्स टू मच फॉर मी यानी इतना मुझे नहीं चाहिए था अभी उतनी देर नहीं हुई है इट्स नॉट दैट लेट येट इट्स नॉट दैट लेट येट कल सुबह आपसे मिलते हैं सी यू टमारो मॉर्निंग सी यू टमारो मॉर्निंग तुम्हारी सेहत के लिए यह बेहतर है इट्स बेटर फॉर योर हेल्थ इट्स बेटर फॉर योर हेल्थ तुम इतने दीवाने क्यों हो वाई आर यू सो क्रेज़ी वाई आर यू सो क्रेजी मैं अब तक अविवाहित हूँ आई एम सो फार अनमेरिड आई एम सो फार अनमेरिड फिर से कोशिश करो तुम जीतोगे ट्राई अगेन यू विल विन ट्राई अगेन यू विल विन सब कुछ उसे दो गिव एवरी थिंग टू हर गिव एवरीथिंग टू हर इसे मेरे पास बाद में लाओ ब्रिंग इट टू मी लेटर ब्रिंग इट टू मी लेटर धीरे दौड़ कर वहाँ जाओ गो देर बाई रनिंग स्लोली गो देयर बाई रनिंग स्लोली अपने आप को व्यस्त रखना बेहतर है इट्स बेटर टू कीप योर सेल्फ़ बिज़ी इट्स बेटर टू कीप योर सेल्फ़ बिज़ी मैं उसे पहली बार मिला आई मेट हर फॉर द फर्स्ट टाइम आई मेट हर फॉर द फर्स्ट टाइम मेट मीट वर्ब का पास्ट फॉर्म है यानी कि वी टू जहाँ कहीं मैं जाता हूँ मेरे पीछे आओ फॉलो मी वेर एवर आई गो फॉलो मी वेरेवर आई गो वेरेवर यानी जहाँ कहीं ये वेयर एवर नहीं प्रोनाउंस होता है इसे एक साथ बोलते हैं वेर एवर समय पर जागो और तैयार हो जाओ वेक अप ऑन टाइम एंड गेट रेडी वेक अप ऑन टाइम एंड गेट रेडी हमारे साथ होने का लुफ्त लो इंजॉय टुगेदरनेस विद अस इंजॉय टुगेदरनेस विद अस टुगेदरनेस यानी साथ मंडे एक मीटिंग बुलाओ कॉल अ मीटिंग ऑन मंडे कॉल अ मीटिंग ऑन मंडे सुधार लाने के लिए खुद करो डू योर सेल्फ टू मेक इंप्रूवमेंट डू योर सेल्फ टू मेक इम्प्रूवमेंट तुम्हारा जवाब बिल्कुल ठीक है योर आंसर इज क्वाइट राइट योर आंसर इज क्वाइट राइट किसी बात के लिए मेरे पास मत आओ डोंट कम नियर मी फॉर एनी थिंग डोंट कम नियर मी फॉर एनी थिंग मैं केवल आधी रात सोया आई स्लैप्ट ओनली फॉर हाफ द नाइट आई स्लैप्ट ओनली फॉर हाफ द नाइट स्लेप स्लीप वर्ब का पास्ट फॉर्म है हाफ द नाइट यानी आधी रात कल की घटना के लिए मुझे अफसोस है आई फील सॉरी फॉर येस्टर इंसिडेंट आई फील सॉरी फॉर यस्टर इंसिडेंट किसी दिन हमारे मेहमान बनो बी आवर गेस्ट सम डे बी आवर गेस्ट सम डे मेरे लिए और कॉफ़ी डालो पोर मोर कॉफ़ी फॉर मी पोर मोर कॉफ़ी फॉर मी क्या ऐसा नहीं है इज़ इट नॉट सो इज़ इट नॉट सो so. यदि आप दूसरों से कन्फर्मेशन चाह रहे हैं तो ऐसा कहें तुम बेहतर है अपने रास्ते जाओ यू बेटर गो योर वे यू बेटर गो योर वे यानी यहाँ खड़े रहकर पछड़े में मत पड़ो क्या तुम मेरी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो को यू फुलफिल माई विश कोड यू फुलफ़िल माई विश विश यानी ख्वाहिश या कामना पूरा करना यानी फुलफ़िल सफ़ल होने के लिए फुर्तीले रहो स्टे एक्टिव टू बी सक्सेसफुल स्टे एक्टिव टू बी सक्सेसफुल हर जगह ढूंढो और मेरे सामने लाओ सर्च एवरीवेयर एंड ब्रिंग बिफोर मी सर्च एवरीवेयर एंड ब्रिंग बिफोर मी बिफोर कार्थ सामने भी होता है वो मेरे सामने खड़ा है ही इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी ही इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी यहाँ सेंस इंपॉर्टेंट है टेंस नहीं कुछ समय के लिए मुझसे बात करो चैट विद मी फॉर सम टाइम चैट विद मी फॉर सम टाइम हम में से हर एक खुश है ईच वन ऑफ अस इज़ हैप्पी ईच वन ऑफ अस इज़ हैप्पी मैंने लंबे समय तक इंतज़ार किया आई वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम आई वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम एक एक शब्द की नकल मत करो डोंट कॉपी वर्ड फॉर वर्ड डोंट कॉपी वर्ड फॉर वर्ड मैं इसे खुद करना चाहता हूँ आई माई सेल्फ वॉन्ट टू डू इट आई माई सेल्फ वॉन्ट टू डू इट तुम लगे रहो तुम सफल होगे यू कैरी ऑन यू विल बी सक्सेसफुल यू कैरी ऑन यू विल बी सक्सेसफुल कैरी ऑन यानी लगे रहना या किसी काम में जारी रहना ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है इट्स नॉट दैट आई एम नॉट अवेयर इट्स नॉट दैट आई एम नॉट अवेयर आप में से हर एक ईमानदार है ईच ऑफ़ यू इज़ वेरी ऑनेस्ट ईच ऑफ़ यू इज़ वेरी ऑनेस्ट तुम बिना डर अपनी बात को रखो यू एक्सप्रेस योर सेल्फ विदाउट फियर यू एक्सप्रेस योर सेल्फ विदाउट फियर तुम इसे कस कर पकड़ो यू होल्ड इट टाइटली यू होल्ड इट टाइटली मेरे सवाल का सीधा जवाब दो गिव स्ट्रेट आंसर टू माई क्वेश्चन गिव स्ट्रेट आंसर टू माई क्वेश्चन मैं उस महीने को कैसे भूल सकता हूँ हाउ कैन आई फॉरगेट दैट मंथ हाउ कैन आई फॉरगेट दैट मंथ अपने माता पिता को मेरी नमस्ते पहुँचाना प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स रिगार्ड्स यानी नमस्ते या फिर दुआ सलाम कन्वे करना यानी पहुँचाना अपना काम करने के बाद देखो सी आफ्टर डूइंग योर वर्क सी आफ्टर डूइंग योर वर्क क्या तुम इस केस को सुलझा सकते हो कैन यू क्रैक दिस केस कैन यू क्रैक दिस केस क्रैक करना यानी किसी केस को सुलझाना या सॉल्व करना क्या आप कृपया और तेज़ बोल सकते हो कुड यू स्पीक लाउडर प्लीज़ कुड यू स्पीक लाउडर प्लीज़ कुड का यूज़ यहाँ पोलाइटनेस दिखाता है इस मैच को हर हालात में जीतो विन दिस मैच अंडर ऑल द सर्कमस्टांस विन दिस मैच अंडर ऑल द सर्कमस्टांसिस आप तसल्ली के लिए खुद देख लो यू चेक योर सेल्फ फॉर सेटिस्फैक्शन यू चेक योर सेल्फ फ़ॉर सेटिस्फैक्शन सेटिस्फैक्शन यानी तसल्ली या फिर संतुष्टि मुझे गलत साबित करने की कोशिश मत करो डोंट ट्राई टू प्रूव मी रॉन्ग डोंट ट्राई टू प्रूव मी रॉन्ग तुम्हें अपने अधिकारों का पता होना चाहिए यू शुड नो योर राइट्स यू शुड नो योर राइट्स राइट्स का अर्थ अधिकार भी होता है तुम सफल होने के लिए आशावादी रहो यू स्टे पॉजिटिव टू बी सक्सेसफुल यू स्टे पॉजिटिव टू बी सक्सेसफुल आशावादी रहने के लिए स्टे पॉजिटिव का यूज़ करें हमेशा की तरह इस बार भी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया एज़ यूजल शी वॉज अनलकी दिस टाइम ऑल्सो एज यूज़ल शी वॉज अनलकी This time also. As usual, any Hamesha ki tara. Any jaisa aksar hota hai. Yaha sense ki translation hai. That's all I could manage to put together in this video. I sincerely hope that the sentences were liked by you and that you will not miss any opportunity to speak these sentences as and when any opportunity comes your way. It's time to wrap up this video. Thanks for sparing your time to. Watch this video. Until the next video is uploaded, keep learning, improving, and speaking English like never before. Bye, friends.